एक बार फिर से आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। मेरा नाम मुकेश है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से बाहर होगा ये धाकड़ बल्लेबाज। भारतीय क्रिकेट टीम चेन्नई में अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से करेगी। ये मैच कल यानी 8 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा। इस मैच में शुभमन गिल के खेलने को लेकर संदेह है। अब कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा अपडेट दिया है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच से एक दिन पहले मीडिया से कहा, शुभमन गिल अभी भी बीमार हैं, हम उन्हें ठीक होने का पूरा मौका दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वह समय पर ठीक हो जाएं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। दरअसल गिल को डेंगू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में वह खेलेंगे या नहीं इस पर संदेह है। अब मैच में काफी कम समय बचा है, ऐसे में ये पूरी तरह तय है कि वह समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। रोहित ने आगे कहा, विश्व कप में अपनी टीम की कप्तानी करना बहुत सम्मान की बात है। ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है, हमें पिच के मुताबिक बल्लेबाजी करनी होगी। हमें वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हमने मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। देखना होगा कि कल पिच कैसी दिखती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक में लगातार वीडियो हम आपके लिए वहां पर डालते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।